हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है सीआरओ में किसी फंक्शन का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मेजर करना. उसके लिए ये हमारा सीआरओ और सीआरओ पे कोई भी सिग्नल हमें देना होगा. सिग्नल यानी कि फंक्शन देना होगा. वो फंक्शन हम देंगे फंक्शन जनरेटर से. फंक्शन जनरेटर में अभी मोड को चेंज करके आप FG फंक्शन जनरेटर मोड पे जाके आप ये जो फंक्शन दिख रहा है इसे चेंज कर सकते हैं. अभी जैसे साइनोसॉइडल सिग्नल है तो हम ज़्यादातर साइनोसॉइडल सिग्नल को ही मेज़र करते हैं. तो इससे आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी DC साइनोसॉइडल. तो ये अब साइनोसॉइडल. अब इसका हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कुछ भी सेट कर देते हैं. ये एम्पलीट्यूड, इसका हम एम्पलीट्यूड कुछ भी सेट कर सकते हैं. एम्पलीट्यूड सेट करने के लिए ये एम्पलीट्यूड नॉब है, इसको चेंज करना होता है. तो अभी 0.79 है, इसको 1 कर देते हैं. और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी अभी इसकी 3000 हर्ट्ज़ के आसपास है, इसको 3000 ही कर लेते हैं. इसको कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं. अगर आपको इसे मल्टीप्लाई करना हो तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई ये यहाँ से हो जाता है, 10 टाइम्स डिवाइड ये यहाँ से हो जाता है. ठीक. और ये इसका रेंज कुछ भी होता है, तो इसे कितना भी कम कर सकते हैं आप. और डिवाइड कर लीजिए, ये भी 27, ये बहुत कम हो गया. इसको कम से कम किलो हर्ट्ज़ की रेंज में रखते हैं, एटलीस्ट 3 किलो हर्ट्ज़. तो ये आपका 3 किलो हर्ट्ज़ है. 3000 हर्ट्ज़ यानी कि मतलब 3000 किलो हर्ट्ज़ हो, मतलब 3 किलो हर्ट्ज़ होगा तो हमें सीन होगा सीआरओ पे. नहीं, उस सीआरओ पे हम कितना भी सीन कर सकते हैं, बस ज़्यादा रखते हैं ऐसे. हम ज़्यादा रखते हैं बस. कुछ भी चेंज करके देखिएगा, सब देख सकते हैं. ठीक है, ठीक है, देख लेंगे अभी. ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से वेरी कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी यहाँ से वेरी कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना, मतलब 10 टाइम्स यहाँ से, 10 टाइम्स कम यहाँ से. अब एम्पलीट्यूड में, अगर आपको एम्पलीट्यूड को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस आउटपुट में ये जैसे आपने मल्टीप्लाई किया इससे, तो देखिए ये डिवाइड हो गया. मतलब इस बटन को प्रेस करने पे ये 100 मिली वोल्ट में आ गया. मिली वोल्ट में आता है? नहीं नहीं, देखिए जैसे आपने ये बटन दबाया तो 1 वोल्ट है. अभी आपने ये बटन दबाया तो ये 10 वोल्ट हो गया. एक और बार दबाया, ये दोबारा 1 हो गया. ये 1 वोल्ट हो गया, उसमें ये मिली वोल्ट था. ये अभी नहीं, पहले भी मिली वोल्ट, ये अभी 1 वोल्ट. आपने ये प्रेस किया, ये 10 वोल्ट हो गया. आपने एक और बार प्रेस किया, ये दोबारा 1 हो गया. आपने दोबारा प्रेस किया, ये 10 हो गया. तो ये 1 और 10 में वेरी करता है. इसको प्रेस करेंगे तो ये कम हो गया. एक और बार प्रेस किया, ये मल्टीप्लाई हो गया, कम हुआ. मतलब इससे वेरी कर सकते हैं वोल्टेज को. ये आपका पुश स्विच है, मतलब 3 नॉब. आप क्या कह रहे हैं, मतलब आप दोनों को यूज करके आप कुछ भी सेट कर सकते हैं. ठीक है, ये बात है एम्पलीट्यूड की. ठीक है, हमने कुछ भी एम्पलीट्यूड जनरेट किया, कुछ भी फ्रीक्वेंसी जनरेट किया. अब आते हैं इसको, ये जो सिग्नल यहाँ पे है इसको हमें अपने सीआरओ पे देना है, इस पे देना है. तो उसके लिए हमें एक BNC to BNC कनेक्टर चाहिए होगा. VNC to BNC connector. ये है तुम्हारा VNC to VNC connector. ये क्रोकोडाइल कनेक्टर, BNC to क्रोकोडाइल है. ये VNC to क्रोकोडाइल. ये क्रोकोडाइल, ये रेड वाला. ये दोनों जो है ये क्रोकोडाइल. ये रेड वाला है क्रोकोडाइल और ये भी क्रोकोडाइल. तो हम एक VNC to, ये भी क्रोकोडाइल. मिनट, इसको बोलते हैं VNC to BNC connector. फुल फॉर्म कोई है? बी. फुल फॉर्म हम चेक कर लेंगे. तो ठीक है, लिखना है इस पे BNC to connector. नाम लिखो यहाँ पे, स्टेप लिखो ना, क्या क्या तुमने हमने किया है वो सारे लिखते जाओ. वो बाद में लिखेंगे, BNC हमने प्रैक्टिकल में लिखा. BNC to BNC connector. BNC to BNC प्रोब. BNC to BNC प्रोब बोलते हैं इसको. ठीक है, तो हमें इसका आउटपुट लेना है यहाँ से. यहाँ से BNC to connector जो यहाँ पे फंक्शन जनरेटर का आउटपुट है, connector probe है, इसका एक यहाँ पे कनेक्ट किया connector, और दूसरा ये इसके चैनल 1 पे. ये इसका चैनल 1 होता है, ये इसका चैनल 2 का इनपुट होता है. ये चैनल 2 का, ये चैनल 1 का. चैनल 1 का, तो ये हुआ चैनल 1 के. आप सबसे पहले इसका पावर चेक कर लेंगे. पावर चेक करेंगे और ये मेक श्योर करना होता है कि सारे स्विच इसके ऑफ स्टेज में, सारे स्विच सारे जो है ऑफ स्टेज पे. एक मिनट, अब आप देख रहे होंगे इसका ये स्विच ऑफ नहीं था, तो अभी आपके पास ऐसा सिग्नल आ रहा है. हाँ, ये XY एक ही चीज़ पे, ये ट्रेपेज़ॉइडल पैटर्न के लिए होता है. तो इसको आप पहले चेंज कर लेंगे. अभी मत इंट्रोड्यूस करो, जो मतलब डिफरेंट चीज़ है ना उसको इंट्रोड्यूस मत करो. ठीक, एक एक ये आपका जो सिग्नल आपने यहाँ से जनरेट किया, वो यहाँ से जो सिग्नल जनरेट किया जिसका एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट है, 1.0 वोल्ट है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज़ है. वन सेकंड. हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज़ है, देख लिया था मैंने. मैं आपको 0 बता रहा हूँ.
इसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज़ है, वो हमें यहाँ पे ऐसा दिखेगा, वो सिग्नल हमें ऐसा दिखेगा। अब हम इसमें प्लेस करते हैं, वो तब हो रहा है जब आपका ये जो वोल्टेज नॉब है ये 0.5 पे। ओहो, अब ये वोल्टेज नॉब का क्या काम होता है? देखो ध्यान, अब देखिए 0.5 पे मतलब इसका जो एक स्क्वायर है, इसका जो लेंथ है इसकी वैल्यू 0.5 है। अच्छा, एक जो स्क्वायर है उसका जो साइड है उसकी वैल्यू 0.5 है, यानी स्क्वायर की लेंथ 0.75 है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा आपका जो एम्पलीट्यूड था ये 1 था, तो 1 मतलब जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो 1 से लेके -1 तक जा रहा है, 1 से लेके -1 तक जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आपने दिया था वो 1 वोल्ट्स था, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 से लेके -1 तक जा रही है। ठीक है, मतलब 2 तो 0.5 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
से इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं. अगर आपको साइड साइड करना है तो एक्सेप्शन से साइड साइड कर सकते हैं. ठीक ठीक है, इसको बीच में करो. ये आपका बीच में हो गया, इसको थोड़ा और बीच थोड़ा सा बीच में एक्स से करो, थोड़ा सा बीच में. ठीक है, वो यहाँ पे ख़त्म होता है बस. ठीक है, सो अब मुझे ये बताओ, मेरा डाउट है छोटा सा, कि जो बॉक्सेस हैं 1, 2, 3, ये मतलब एम्पलीट्यूड नापने के लिए 0.5 है. देखिए ये जो इसका ये होता है, ये एम्पलीट्यूड के लिए, मतलब आप जानते हैं कि इसका जो लेंथ होता है ये एम्पलीट्यूड होता है और ये टाइम पीरियड होता है. हाँ. और टाइम 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमें वैसे ही कैलकुलेट करना है. ठीक, तो अभी आप देख सकते हैं ये भी 0.5 पे हैं. हाँ. मतलब इसके एक स्क्वायर की वैल्यू 0.5. तो आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं. आप इसको यहाँ पे रख लीजिए, इसको हल्के से बीच में कर लीजिए. अब देखिए आप मेज़र करेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 3.4. ये एक एक जो होता है तेरा कैलिबरी वो 0.2 का होता है. हाँ, ये जो बीच में छोटे वाले हैं ये इसका कैलिबर 0.2 का है. ठीक है, तो 1, 2, 3, 3.4. ठीक है, 3. तो आपकी वैल्यू आए, मतलब जो लेंथ है वो है 3.4. इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, y डायरेक्शन लिखो, y डायरेक्शन में लेंथ है. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा जो आपके नॉब की वैल्यू 0.5. ठीक, तो आपका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा 1.7, जो कि थोड़ा बहुत गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, वन एक्यूरेट नहीं आएगा ना, मशीन ख़राब है. तो 1.7 क्या वोल्ट में या मिली वोल्ट? वोल्ट्स में. ठीक है, अब इसमें दिखाओ कितना था. अब इसमें चेक करके देखेंगे, इसमें चेक करेंगे एम्पलीट्यूड हम, तो 1.04 है. हाँ, वेरी नाइस. लिखो लिखो लिखो, ये लिखो ये आया ऑब्जर्व्ड और वो ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व्ड, ये सॉरी ये कैलकुलेटेड होगा, ये कैलकुलेटेड होगा सीआरओ और ये ऑब्जर्व्ड होगा फंक्शन जनरेटर. हाँ ठीक है, अब हम इसमें एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम करते हैं फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला लिखो पहले, C=nu λ, फिर उससे टाइम पीरियड समझाओ. फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं 1/टाइम पीरियड. ये प्रोपोर्शनलिटी होता है ना, 1/t. यहाँ पे ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज़ 1/, मतलब जो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ साइकिल्स इन यूनिट. ठीक है, यहाँ हम लोग वेवलेंथ से रिलेट करेंगे ना टाइम पीरियड को, C=nu λ से. ये आपका वेवलेंथ हो गया, जो टाइम पीरियड है वो आपका वेवलेंथ है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी = 1/वेवलेंथ. ठीक है, तो अब देखेंगे, तो वेवलेंथ होता है पीक से पीक के बीच का डिस्टेंस. पीक के पीक का डिस्टेंस कैलकुलेट करो. ये फिर वेव आपका, ये पूरा एक वेव होता है, क्रेस्ट, तो यही क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस देखो दो. तो आप देख सकते हैं उसके लिए आप इसे थोड़ा ऊपर कर लीजिए ताकि ऊपर करो. हाँ, अच्छे से पता चल जाए. डिस्टेंस ट्रैवल, ये देखो ध्यान से, ये देखो ये x पोजीशन से और y को सेट करके यहाँ पे कर लिया, सेट करके और बिल्कुल सेटिंग करते हैं. हाँ, फिर इसके बाद एक बॉक्स. हाँ. अभी आपको पहले देखना होगा ये 0.2 पे है, ये जो है ये टाइम डिवीजन है, ये टाइम डिवीजन. अब हम इससे खेलेंगे फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए. एक स्क्वायर का वैल्यू अभी 0.2 1.7 आ रहा है इंटू 0.2 तो ये आपका
34 लिखो, 0.34 मिलीसेकंड्स, ठीक। तो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 1/0.34 मिलीसेकंड्स। अब जितनी आएगी वैल्यू उसकी हर्ट्ज में हो जाएगी, मिली हर्ट्ज 34, ये मिलीसेकंड्स यानी कि 10^-3 ऊपर जाके किलो में हो जाएगा, 0.34 इंटू किलो 10^3 हर्ट्ज, ठीक। यानी कि 1/0.34 बस काफ़ी है, इतना तो समझ जाएंगे, इतने भी होने उनको करनी है। सो ये हमारा सिग्नल था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, हमने क्या किया, सिग्नल था हाँ, एक ये एक सिंपल सिग्नल था जो हमने इससे जनरेट किया था, और इससे हमारी ऑब्जर्व वैल्यू थी, फिर हमने कैलकुलेट किया और हमारी ये वैल्यू आई और हमने देखा कि एरर है। तो इससे हम लोग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किए और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किए, जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, हम दोनों के आउटपुट इनपुट को देखेंगे, उसमें जितना एरर आ रहा है वो हम एरर फाइंड करेंगे। हाँ, तो अब एरर इसके बाद लिख दो फटाक से, मतलब ऐसे फॉर्मूले से लिख दो फटाक से एरर के, परसेंटेज एरर को सब निकालने के लिए लास्ट टाइम जो आपकी ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड होता है ऊपर नीचे, तो ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड को ही आप लेते हैं, ऑब्जर्व्ड इनटू 100 माइनस जो आपकी एक्चुअल वैल्यू, डेविएट हो जाएगा ना, एरर नहीं होगा, नहीं डेविएट नहीं होगा, नहीं एरर पता चलेगा, एरर बताएगा कोई, एरर का जो भी फार्मूला होता है वो हम देख लेंगे और उस हिसाब से कैलकुलेट, यही एरर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया हमारा, ये इस तरीके से एरर का कोई भी फार्मूला होगा एरर निकाल लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ कंप्लीट। अब इसमें थोड़ा वेरिएशन देख लेते, ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ से अभी किस मोड पे है, फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी मोड पे है, तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को वेरी करिए, फ्रीक्वेंसी वेरी करिए, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी वेरी हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी उससे फ्रीक्वेंसी वेरी हो रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है, चेंजेस देखिए, फ्रीक्वेंसी जब वेरी हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये देखिए इससे अब फ्रीक्वेंसी को आप 10 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, देखिए इसको हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो गया, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया। अब आपको इसे देखना है, इसे विजुअलाइज करना है, तो फिर आपको टाइम रीजन को और बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ये वही कंप्रेशन और एक्सपेंशन वाला खेल है, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग। अब आपने इसे बहुत ज़्यादा कर दिया, अब देखिए अब आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आपको टाइम डिवीजन को कम करना पड़ेगा, तो कम फिर ये एक्सपेंड हो जाएगा, ये देखो अभी देखो अभी ये तुम्हारा, तो अभी आप देखेंगे माइक्रोसेकंड में, तो यहाँ पे एक स्क्वायर की वैल्यू माइक्रोसेकंड्स में होगी, माइक्रोसेकंड हो जाएगा, मतलब जो यहाँ टाइम डिवीजन की वैल्यू होगी, जैसे कि अभी ये 10 माइक्रोसेकंड है, तो उसी तरीके से फिर इसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हम इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए अभी फ्रीक्वेंसी हमारी है 21 किलोहर्ट्ज़ में, तो इसको विजुअलाइज, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो हमें टाइम डिवीजन बहुत कम चाहिए होगा, तो देखिए अभी हमारा टाइम डिवीजन माइक्रोसेकंड्स में, तभी ये दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए अभी हम जब फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे हर्ट्ज़ में कर देंगे, मतलब 2 किलोहर्ट्ज़ में अभी, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब ये जो टाइम डिवीजन है ये बहुत कम है, तो टाइम डिवीजन को बढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल विजुलाइज होगा। तो वही इनवर्सली रिलेशन जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था, ये इनवर्सली रिलेशन फॉलो हो रहा है इस ग्राफ के थ्रू। एम्पलीट्यूड को भी वेरी करके देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड को एक बार वेरी करके देख, देखिए अभी 1.53 वोल्ट सेम ही देगा, तो देखिए अभी ये विजुलाइज हो रहा है, जब आप एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए एम्पलीट्यूड डिवाइड कर लिया आपने, तो आपका एम्पलीट्यूड कम हो गया, कम को मेजर करने के लिए आप एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, एम्पलीट्यूड का जो डिवीजन है उससे कम करेंगे, उसको कम करेंगे, कम करेंगे, अच्छा, तो फिर ये आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, हाँ हाँ, फिर एक्सपेंड वाला ये पंडार, ठीक। अब आपने एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लिया, वन इसको भी कर दिया 15 वोल्ट्स, 15 वोल्ट्स आपको दिख नहीं रहा होगा, जब बाहर हो जाएगा तो ये वाली लाइट जो है ये जल जाती है, ये इधर उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सिग्नल आपका ऊपर भी जा रहा है, हाँ, और नीचे भी जा, नीचे भी जा रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ सेटिंग करके उसको खत्म करना है, जैसे आपका भी 15 वोल्ट्स हैं, तो फिर 15 वोल्ट्स हैं, आप देखिए ये सिग्नल आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, क्योंकि अभी जो इसका है ये 0.2, मतलब एक स्क्वायर की वैल्यू 0.2 है, तो इससे आप बढ़ाइए 0.5, 1, 2, 5, हाँ, तो देखिए दिख रहा होगा 5 वोल्ट आ गया, यानी हमने क्या किया, हमने वोल्टेज के लेवल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब जो स्केल है उसे एक्सपेंड कर दिया, मतलब हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं फिर टेलीस्कोप से, मतलब अब हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं ना, 5 वोल्ट हो गया ना अब, तो उस समय माइक्रोस्कोप से देख रहे थे बस, चलो तो ये है कॉन्सेप्ट, समझो पहले एक्सपेरिमेंट, हाँ जो भी है, सो अब हम इसको